नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो ये आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। मैंने कुछ ईयरफोन्स मंगवाए हैं, एक वायरलेस है और एक वायर्ड है। वैसे मुझे वायरलेस वाला लेना नहीं था, लेकिन सेम पैकिंग है इसलिए लेना पड़ रहा है, और शायद मैं रिटर्न भी कर दूँ। बोट का है, देखते हैं अगर क्वालिटी अच्छी रही या साउंड क्वालिटी तो मैं रख लूँगा, बाकी रिटर्न कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं कैसा निकलता है, दोनों डिफरेंट कंपनी के हैं। चलिए मैं इसे कट कर लेता हूँ। तो बोट के मैंने काफ़ी यूज किए, अच्छे होते हैं, लेकिन बोट में कमी भी होती है कि साउंड की जो आउटपुट है वो मेरे को अच्छी नहीं लगी। इससे पहले 225 मैंने यूज़ किया था, तो बेस बढ़ाने के चक्कर में जो ट्रेवल है वो काफ़ी बेकार कर देते, इसलिए म्यूज़िक में मज़ा नहीं आता। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा, ये दोनों इनवॉइस। ये देखिए 864 का बोट का है, 235 वर्जन 2 और 334 का है बोल्ट का। तो चलिए इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, साइड बाय साइड में निकालता हूँ। सबसे पहले हमारा ये दिखाता हूँ आपको, ये बोल्ट का काफ़ी अच्छी डील चल रही थी। ये मुझे लगभग 360 या 400 के समथिंग अराउंड पड़ गया है, और काफ़ी अच्छी कंपनी है बोल्ट की, और इसकी काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है, मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और देखते हैं कि कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह है और फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है इसका। इससे पहले भी मैंने JBL और बोट काफ़ी सारे यूज किए हैं, लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छी साउंड JBL की लगी, लेकिन उनकी बिल्ड क्वालिटी एकदम पुअर होती है। तो चलिए देखिए इसके, देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है हमारा ईयरफोन। ये काफ़ी शानदार पैकिंग कर रखी है। अब मुझे निकालने में दिक्कत होगी, कैसे इन्होंने पैक कर रखा है। शायद इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये देखिए अभी मैं इतना ही निकाल पा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, और गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर है इसका, एल शेप में है, और ये थोड़ा मेटल फील आ रहा है, और ये स्ट्रिप इसकी मैग्नेटिक नहीं है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और इसकी बाद में आउटपुट देखेंगे। और दूसरा देखिए हमारा, हमारे पांड्या साहब हैं, करके आए हैं लगता है, इस पे लगे हैं, ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर। और ये हमारा बोट का 235 वर्जन 2 है। इसकी क्वालिटी है कि इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 10 mm का ड्राइवर है, और IP जो भी स्वेट प्रूफ वगैरह दे रखा है, 8 आवर का प्लेबैक है। 255 इससे 6 आवर का देता है, लेकिन उसमें खास बात ये है कि उसमें क्वालकॉम का चिपसेट है, जिसके कारण आपकी कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, तो और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी हल्की सी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सस्ता मिलता है इसलिए मैंने इसे मंगवाया है। उसको भी मैंने पर्सनली यूज़ किया है, लेकिन जो उसकी जो आउटपुट है एकदम मुझे 225 बोट की ईयरफोन की तरह लगी, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उसको नहीं इसको मंगवाया। चलिए देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, तो ये ओपन हो गया। इसको यहाँ से कर लेता हूँ, वहाँ से ओपन नहीं हो रहा। ये हमारा कट जा, ये हो गया हमारा ओपन यहाँ से। अरे बहुत अच्छी पैकिंग कर रखी है, ओपन ही नहीं हो रहा। मुझे रिटर्न करना, वरना मैं इसकी तो धजिया मार देता फाड़ के। फिर भी देख लेते हैं एक बार, जब आ ही गया तो खोल खाल के चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। ये देखिए, शानदार जानदार सा हमारा दिख रहा है, दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए रेजिंग रेड, एकदम जो मैग्नेटिक रेड होता है उस टाइप का है। तो इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, और ये देखिए बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से, ये देखिए मैग्नेटिक है, ये बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। बस कंप्लेन ये वायर जो है इसकी थोड़ी हल्की लग रही है, जो 255 है उसकी वायर थोड़ी फ्लैटन थी, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पर्सनली मैंने यूज़ किया, मेरे फ्रेंड्स वगैरह उसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने उसे मंगवाया नहीं, क्योंकि मेरे सर्कल में उसको यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, और ये तो काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल है, और ये रहा इसके बटन्स वगैरह कंट्रोल्स, और ये चार्जिंग स्टेशन भी इधर ही होगा ये रहा। तो इसके साथ एसेसरीज देख लीजिए, ये छोटा सा USB केबल दिया है, तो और ये ईयरबड्स। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।